Assalamu alaikum viewers, welcome to Leo TV. CorelDraw 7 ke lecture number 23 ke saath hai mali chuktai viewers. Last time discuss kar rahe the isme tables mein fonts ke bare mein. Viewers, yahan pe ek important si baat aapko batani hai. Ye dekhiye, like isme main tables pe jata hu, isme dekhiye insert columns maine table select ki hui hai. Isme dekhiye insert columns above select down. ठीक है, इसमें अगर हम इसमें यहां पे हम एक कॉलम्स वगैरह इंसर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो यहां से हम मैन्युअली इसे देखिए सेल्स रोज एंड कॉलम्स आ गई. डिलीट करनी है टेबल तो डिलीट भी कर सकती हैं. देखिए हमारी टेबल डिलीट हो गई. अब मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस लाता हूं. ये देखिए मैंने कंट्रोल जी से इसको वापस ला लिया. इसमें टेबल में अगेन जाएंगे इंसर्ट में. ये देखिए मैं इसमें इसका F3 से जूम थोड़ा सा कम करता हूं और इसको मैं प्रॉपर टीम में इसको सिलेक्ट करते हैं कॉलम्स को. ओके, नाउ इसको अगेन देखिए मैं इसको सिलेक्शन पे प्रॉपर ले आऊं ताकि हमारे पास इसका व्यूज क्लियर हो सके. नाउ इसको मैं F4 में कन्वर्ट करता हूं. F4 में अभी देखिएगा कि इसको मैं ये सिलेक्ट किया. अब इसमें टेबल्स में गेन जाएंगे इंसर्ट. नाउ इंसर्ट अब रो अबव. देखिए ऊपर एक रो ऐड हो गई. अब इसको गेन नाउ टेबल में जाके देखिए इंसर्ट रो बिलो. इससे नीचे एक रो ऐड हो गई. अब इसमें टेबल में गेन जाएंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट. तो लेफ्ट साइड पे एक कॉलम रो नंबर वाली साइड पे ऐड हो जाएगा. ये देखिए इंसर्ट कॉलम राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो गया. इसको F4 करके जूम इन करके चेक करते हैं. देखिए जूम में आपके सामने आ गया. नाउ लाइक यूज़ मैं इसको गेन नाउ टेबल में जाते हैं सिलेक्ट सेल. ये देखिए मैंने ये वाला सिलेक्ट हो गया. मैं इस पे क्लिक करता हूं. इसमें टेबल में गेन जाते हैं सिलेक्ट सेल. ये देखिए जिसमें हमारा माउस का पॉइंटर ब्लिंक कर रहा होगा उसमें वो वाला सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक व्यूअर, नाउ इसमें टूल्स टेबल्स में गेन जाते हैं सिलेक्ट रोज. ये रो पूरी कंप्लीटली सिलेक्ट कर ली. टेबल अगेन नाउ सिलेक्ट कॉलम. तो हम ये पूरे इस कॉलम में रुकते हैं. ये देखिए और टेबल सिलेक्ट नाउ कॉलम्स. ये कॉलम सिलेक्ट हो गया. अगर पूरी टेबल आपने सिलेक्ट करनी है टेबल्स सिलेक्ट टेबल. नाउ ये पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो गई. अब इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं. लाइक इसमें देखिए मैंने इसका साइज चेंज कर देता हूं. ये देखिए इसका साइज इसमें अगेन नाउ इसके टेबल को सिलेक्ट किया. टेबल में जाएंगे सिलेक्ट. मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने टेबल को किस तरह इसमें ये देखिए मैंने इसमें एंट्री की. सिलेक्शन पे आपको बता दिया कि किस तरह हमने इसको सिलेक्ट करना है. अगेन देखिए और इसके बाद डिलीट सेल की बात है. डिलीटेबल हो गई. कंट्रोल जी से वापस आते हैं. मैं इसमें ये सिलेक्ट टू टेबल्स में और अगेन नाउ देखिए मैं इसका सेल सिलेक्ट करता हूं. और टेबल्स पे क्लिक करते हैं. टेबल सिलेक्ट हो गई. ओ सॉरी टेबल डिलीट हो गई अगेन. नाउ इज डिस्ट्रीब्यूट्स. ठीक है, वो इसी तरह आप इसमें कॉलम को सेलेक्ट और डिलीट कर सकते हैं. अगेन देखिए इसमें मैंने ये इसको सिलेक्ट करता हूं. ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. टेबल्स में जाऊंगा मर्ज सेल. ये देखिए सेल को मर्ज कर दिया. अब इसमें ये एक सेल बड़ा जो दो कॉलम से एक सेल बन गया. ठीक भी बस इसी तरह इसमें देखें कि मैं इसको दो तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं. टेबल्स में जाता हूं और मर्ज सेल करता हूं. ये तीनों कॉलम्स एक कॉलम में कन्वर्ट हो गए. नाउ इसको वापस करते हैं. अगेन टेबल्स में जाते हैं. ये देखिए मैं इसको यहां पे मूव किया. अब ये दो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं और इसमें स्प्लिट इन रो. ये देखिए इसमें मैं 4 रोज करता हूं और लाइक इसमें देखिए 4 रोज एंटर हो गई हैं. और आपको क्लियरली पता चल रहा होगा तो आप देख लें कि इसमें 4 रोज मैंने एंटर कर दिए. मैं इस अब मैं यहां पे एक कॉलम और सिलेक्ट करूंगा. ये देखिए
या एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ये देखिए मैं एक कॉलम को सिलेक्ट, ये कॉलम एक सिलेक्ट हो गया, और इसमें स्प्लिट इन कॉलम्स नाउ, इसको मैं थ्री कॉलम फोर कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए ये कॉलम फोर कॉलम में कन्वर्ट हो गया। व्यूवर्स इट्स वेरी सिंपल है यूज़ इसका, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और इजीली आप अपने टेबल्स को इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें जो इफेक्ट्स आपने लगाने हैं वो लगाएं, कलर्स लगाएं, जिस तरह भी आप इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए मैं ऑल्स पे क्लिक करता हूँ, मैं कलर लगा लेता हूँ, सारी टेबल पे कलर वही लगे। व्यूअर इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें टेक्स्ट पे आप अपना वही फॉर्मेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें मैंने आप ये देखिए मैं इसका फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ, साइज़ जिस जो हमने इसमें यूज़ करेंगे वही साइज़, बोल्ड, अटालिक, अंडरलाइन, एवरीथिंग नाउ जो टेक्स्ट पे इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं वही टेक्स्ट में इस पे टेक्स्ट पे अप्लाई होंगे। और एक और इसमें बात देखिएगा, ये मैं आज आपको साथ टैब का भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए टैब्स हैं, इसमें टैब्स को मूव करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स जो है ना, इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड है, अगर हम इसको सेंट्रली करना चाहते हैं तो सेंट्रली भी इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए बस, ये देखिए ये देखिएगा इसको सेंट्रली मूव कर दिया। ठीक है बस, टेबल्स का मेन्यूज आपको क्लियर कर दिया है, दो लेक्चर्स में टेबल्स का मेन्यूज क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट मेन्यूज के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।